सरसावा में स्थित महाभारत कालीन श्री बनखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना पांडवों के वनवास के समय सहदेव ने की थी, तभी से दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हापुड़ के गांव सबली के प्राचीन शिव मंदिर, चंडी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, देवी मंदिर, बाबूगढ़ के गांव छपकोली के श्यामेश्वर महादेव मंदिर, गांव दतियाना के भूतों वाला मंदिर तथा गढ़ के नक्का कुआ पर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया। सरसावा से शक्ति जाट व हापुड़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। जिला धर्म प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। अच्छा जी, अपने बारे में बताएं, किस संगठन से? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना संगठन है और अपना धार्मिक संगठन है, और समय समय पर महाशिवरात्रि पर आपका संगठन क्या सहयोग यहाँ पर दे रहा है श्रद्धालुओं को? हरिद्वार से गंगा जल ला करके प्रत्येक मंदिरों में जल की व्यवस्था की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं, यहाँ से ट्रैक्टर और टैंकरों से जाते हैं और वहाँ से टैंकरों से जल लेकर के प्रत्येक मंदिर में जल की व्यवस्था की गई है। आज जो है महाशिवरात्रि का शिवरात्रि मनाई जा रही है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? कोरोना के चलते जो रोक लगाई गई थी सरकार द्वारा, उसका अमल करते हुए क्या क्या किस तरह से जल से करवाया जा रहा है? चल आपको परिचय हो जाए। जिंद्र भोंगा, अध्यक्ष। जैसे शासन प्रशासन के निर्देश COVID-19 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी गाइडलाइन के अनुरूप बनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कराया जा रहा है। पहले भव्य मेला यहां लगता था, पर अब जैसे कि शासन प्रशासन के नियमों को मानते हुए इस बार मेले का आयोजन नहीं हुआ, और आए हुए भक्तों को भी COVID-19 के गाइडलाइन के तहत ही जलाभिषेक कराया जा रहा है, और भक्त उसी गाइडलाइन को मानते हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर रोक है, ऐसे में जो है गंगा जल किस तरह से जो है श्रद्धालुओं को प्रोवाइड कराया जा रहा है? कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने के बाद भी अपने हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जल की व्यवस्था की गई है। बनखंडी महादेव मंदिर पर भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जल की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाए, वो जल यहाँ से लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। जी, परिचय। पंडित अनिल कौशिक, पुजारी बनखंडी महादेव मंदिर। आज जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार है, किस तरीके से धूम है और कोरोना को देखते हुए किस तरह के पालन? देखो, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी शिवरात्रि महोत्सव हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक करके जल चढ़ाया जा रहा है। मास्क लगा करके सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। क्या मान्यता इस मंदिर? मान्यता है कि बनखंडी महादेव मंदिर प्राचीन सिद्ध पीठ है। महाभारत काल से भगवान शिव को यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था। जिस समय पांडवों का ज्ञातवास हुआ था, उस समय सहदेव इस वन में रुके थे, यहाँ पर शिरस्वन का जंगल था, इसी में रुके थे। तो भगवान शिव की आराधना की, आराधना करने के बाद भगवान शिव से यही वरदान मांगा था कि आप जनकल्याण के लिए पिंडी रूप में स्थापित हो जाएं, तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। श्रद्धालु तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ से आते हैं, लेकिन इस वर्ष लोकल एरिया से ही श्रद्धालु आ पा रहे हैं। जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, तो कांवड़ पे भी रोक थी, तो इसमें मतलब जलाभिषेक कैसे होगा? जलाभिषेक सभी भक्तगण अपने अपने घरों से जल लेकर के, गंगा जल लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो क्या आशीर्वाद आप देना चाहेंगे? मेरे भगवान भोले बाबा की सभी श्रद्धालुओं पर असीम कृपा बनी रहे, सभी की मनोकामनाएँ पूरी होती रहे, और हमारे देश से कोरोना महामारी का विनाश जल्द से जल्द हो जाए बस।